ये रहा स्टोर, दो एंगल आयरन वेल्डिंग करेंगे। इधर ले लेंगे हम 27.5। एक टेबल रैक छोटा सा, इसको इधर से काट देंगे, इसके साइज़ का टांग को इधर से उड़ा देंगे, सेम उधर से वैसे ही, और इधर से इसको कटिंग करके बस बना, बन तो गया ही है पूरा, बस इसको काट के रेडी करना है ऐसे ही। इसको भी कर लेते हैं प्रोजेक्ट। रिंग यू टाइप दरवाजे के लिए टांगने के लिए, तो इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे, उस दरवाजे का थोड़ा स्पेस थोड़ा क्लोज रहेगा ताकि ये हवा से ऐसे ऐसे ना भागे, स्टेबल ऐसे स्टे रहे ऐसे। ये रहा स्टोर, थोड़ा सा और नीचे हम लगाएंगे इधर, दो एंगल आयरन वेल्डिंग करेंगे, थोड़ा सा बक्सा डिसिप्लिन से आ जाए सामान सामान। फाइनली गाइस हमने कर दिया इसको सेट।
तो गाइस फाइनली शाम हो गई है, थोड़ी अंधेरा हो रहा है, अपनी दुकान को कहते हैं बंद, काम हो गया जितना करना था। तो ये बनाए थे, ये लगाऊंगा वो प्लाई मंदिर के लिए कल, और ये न्यूज़पेपर स्टैंड बनाए थे मैंने, तीन पेंट मार के रेडी हैं, और ये स्प्रिंग लगा दिया था जिसमें न्यूज़पेपर स्टैंड फंस जाए, उड़े ना हवा में, डस्टिंग आ रखी है। तो मेरा सेक्शन, मेरा जो शॉप है, देखो कितना अच्छा तरतीब से रखा हूँ, डिसिप्लिन से तैयार कर दिया हूँ। यह है सिलाई वाली मशीन, इससे शीट शार्ट बनाने के लिए, गाड़ी की, बाइक, स्कूटी, गाड़ी। और ये थोड़ा, ये देखो मशीन वगैरह ऐसे लेआउट कर दिया, और ये थोड़ा ऊपर सामान, बैटरी वगैरह, और ये वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन है तो ख़राब हो गए हैं, ये रखा हूँ ऐसे, थोड़ा डेकोरेशन किया हूँ, और ये ब्लेड ब्लूड ऊपर लगा रखे हैं दीवार में, और ऊपर भी थोड़ा सामान, स्पेस अच्छा इधर, तो इधर थोड़ा रख दिया स्पेस जगह बना के, अभी अच्छा लग रहा है। वो फाइबर सीलिंग वाली शीटों को लगा दिया इधर, तो देखने में अच्छा लग रहा है, इधर भी सीलिंग से पैक कर दिया इसको, देखिए हो गया अपने वीडियो में, वो पहले तो ऐसे खुला था, अभी अच्छा लग रहा है, अगर चूना हो जाए इसमें तो अच्छा लगेगा। नीचे भी इसमें पेंट पुंट वगैरह रखा है, इसको भी थोड़ा सामने से थोड़ा भद्दा लगता देखने में, तो इसको भी ढक दिया ऐसे एंगल के टुकड़े लगाए थे छोटे छोटे, इतने इतने इसमें स्लाइडर बना दिया, स्लाइडिंग करके निकाल सकते हैं, इधर भी सामने में भी फ्रंट लेयर बना दिए। चलो मिलते हैं फिर कल, तो अंधेरा हो ही गया। चलो गाइस, हमारे पास ब्लेड हो गया ख़त्म, मशीट कटर ब्लेड की रिक्वायरमेंट है, एंगल और वेल्डिंग पैकेट भी ख़त्म हो गया, फिर सिविलियन को बुलाया है, सिविलियन लेके आएगा, उनको फोटो भेज दिया है। हमारा फाइनली ये जो ब्लेड था टूट गया, इधर से क्रैक हो गया था, तो चोट लगने से बच गए, पूरा क्रैक हो गया इधर से आधा, तो इसको चला नहीं सकते, रिक्स हो जाएगा, चोट लगने का खतरा है। सीट कटर ब्लेड एक ही बचा है हमारा, लोकल क्वालिटी का दिया उन्होंने, बॉस कंपनी का अच्छा रहता है, एक ही पीस है, ये भी लेके आएगा बंदा। काम करते करते हो गई है रात, अभी टाइम हो रहा है 7:39, चलते हैं अपने धंधों को स्टार्ट करते हैं। चलो जीरो कर दिया आपने, तो गाइस चलते हैं अभी अच्छा हेयर कटिंग वगैरह करवाना है। देख रहे पानी कितना भरा रखा है रोड पे, पूरा पानी बंद हो रखा है, बंद कोई करता है नहीं, ऐसे फालतू में बहा रहे हैं पानी, जल ही जीवन है, कोई फॉलो तो हो नहीं रहा। अरे कहना क्या चाहते हो, आधा घंटा। अरे आधा घंटा वेट कर, शाम को कितने बजे तक को? शाम को 9:30। तो भाई बार बार शॉप में अभी बोला है शाम तक 9 बजे तक खुली रहेगी, देखेंगे बीच में टाइम लगता है तो करवाएंगे। अभी जाने थोड़ा पहले तेल धूल भर लेते हैं, फिर जाते करने काम करने जाते हैं।
गाइस अभी हमने तेल लिया, भरवा लिया तेल पेट्रोल, अभी चलते हैं उधर करते हैं। हम पहुंच गए हैं इधर विवेक सर के पास, देख सकते हो हमारे अच्छे मित्र हैं, उनका आज बच्चे का बर्थडे है तो आपको हम विश करने के लिए लाए हैं ये स्पेशल। ठीक है सर, ओके, बच्चे के लिए जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो आज पार्टी होगी तो फिर जैसन होगा आज तो। यहाँ थोड़ा पानी पुनी भर लेते हैं, आरओ प्लांट का है भाई, तो गाइस पानी भरने के बाद चलते हैं। पानी तो साफ है नहीं, खारा पानी है, नमक वाला पानी है, तो ज़्यादातर आरओ से करते हैं। फिर आरओ प्लांट भी लगाते हैं अपना घर का पर्सनल, तो वो भी ख़राब हो जाता है, उनका फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है हर महीने, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसी चक्कर में हम इधर से ले रहे डायरेक्ट।